ये आपका कैलकुलेशन चल रहा है, वेयर कैलकुलेटिंग, तो कितना है 2 × 7 − 3 × 5, व्हाट इज दिस वैल्यू, तो 1 × तो वैल्यू कितनी आएगी, व्हाट इज दिस वैल्यू, वैल्यू विल बी व्हाट, −1, ये वैल्यू जो है वो −1 आएगा, ठीक है ना, 1 × −1 का भी कैलकुलेशन करना है, 1 × −1, तो 1 × −1 कितना आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 × −1, −1 आएगी, कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे, आगे किस स्टेप के लिए हम बाद में जाएंगे, चलो, तो ये जो पहला स्टेप है, ये है 1 × व्हाट, −1, −2 × बोलिए, −2 × क्या आएगा हमारा, −2 × व्हाट विल बी दिस, 7 × 3 = 21, 21 − 20 डायरेक्टली करना है, +1, 21 − 20 है ना, पहला क्रॉस प्रोडक्ट, पहला सेकंड क्रॉस प्रोडक्ट, ओके, अब इधर आगे जाएंगे, +3 बराबर है, 3 × 3 = 9, 9 − 8 फिर से 1, अब ये कैलकुलेशन करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो दिस कैलकुलेशन विल बी व्हाट, व्हाट विल बी दिस कैलकुलेशन, ये जो हमारा कैलकुलेशन होगा ये होगा 1 × −1 कितना होगा, −1, −2 × 1 कितना होगा, −2, +3, कैलकुलेशन ध्यान दो कितना था, व्हाट विल बी द कैलकुलेशन, कितना है आप लोगों का, मल्टीप्लाई करके बताइए कितना है कैलकुलेशन, व्हाट इज द कैलकुलेशन, 0 आया बराबर है, यू गॉट 0 देयर, यस, ऑल ऑफ यू गॉट 0 देयर, बिकॉज उसकी वैल्यू 0 ही है, वो 0 ही है ना, तो आपको 0 ही मिलेगा, तो दिस इज 0, इसकी वैल्यू आई है 0, मतलब द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कम्स टू बी 0, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, व्हाट एवर में भी द वैल्यू, ऐसा नहीं कि वो 0 नहीं आ सकता, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पहले हमारे 31 आई थी, अभी वैल्यू आ रही है 0, मतलब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में भी एनी नंबर, ये हम बता रहे हैं आपको फिर से, तो पहले कौन सा रो लिया था, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के लिए साइन कन्वेंशन क्या था, प्लस माइनस प्लस, अब हमें आगे भी और कुछ रो है उनके लिए भी हमें साइन कन्वेंशन लेना पड़ता है, वी हैव सो मेनी रोज अगेन एंड वी हैव टू एक द साइन कन्वेंशन ऑफ दिस, साइन कन्वेंशन हम बता रहे हैं, पहले रो में आपको पहला नंबर जब रहेगा उसको प्लस साइन लगाना, दूसरा नंबर जब रहेगा तब माइनस साइन लगेगा, तीसरा नंबर जब लगेगा प्लस साइन रहेगा, मतलब पहले रो का साइन कन्वेंशन है माइनस प्लस, मतलब नो चेंज इन द साइन, एज इट इज नंबर उठाना है, माइनस एंड प्लस, ये है पहले रो का, अब दूसरे रो का साइन कन्वेंशन हम बता देते हैं आपको, फिर प्रॉब्लम की ओर जाएंगे, दूसरे रो का उल्टा है, यस, पहले रो का समझ में है, अभी दूसरे रो से वैल्यू निकालेंगे, वही वैल्यू आती है, नो चेंज इन द एक्सपेंशन, नो चेंज इन द वैल्यू, वैल्यू में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा जब हम दूसरे रो से जाएंगे, व्हेन वी गो थ्रू सेकंड रो देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू, वैल्यू में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा जब हम दूसरे रो से जाते हैं, सो देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू, जब हम दूसरे रो से जाते हैं देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू, दूसरे रो में कौन कौन से नंबर है, 3, 2, 5, तो हमें साइन कन्वेंशन क्या लेना है, व्हाट विल बी अवर साइन कन्वेंशन फॉर द सेकंड रो, सेकंड रो का साइन कन्वेंशन बहुत ही सिंपल है, व्हाट विल बी द साइन कन्वेंशन, ये देखो ये प्लस माइनस प्लस है, तो सेकंड का है माइनस प्लस माइनस, सिंपल है आपको याद रहता है बाद में, और थर्ड रो का है मैं फिर बताते, फिर से चेंज हुआ प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, हम आपको और ट्रिक बताते, पहला रो और थर्ड रो सेम साइन कन्वेंशन है, पहला कॉलम एंड थर्ड कॉलम सेम साइन कन्वेंशन है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम साइन कन्वेंशन सेम है, देखो सेकंड का साइन कन्वेंशन सेम, पहला रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम, देखो ये है हमारा साइन कन्वेंशन, वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ साइन कन्वेंशन, टू द साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस, ओके बोर हो जाएगा अभी छोड़ दो, सेकंड कॉलम में हम जाएंगे, सेकंड कॉलम में पहला नंबर क्या है, 3,
यस फिक्स, ये ऑलवेज होता है, इट इज ऑलवेज ऑलवेज टाइम कन्वेंशन, ये ऑलवेज होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, कभी भी चेंज नहीं होता, नो चेंज इन दिस। तो हम जाएंगे, हमें देखना है, हमें सेकंड रो के बारे में देखना है। तो सेकंड रो में कौन से नंबर थे, 3, 2, 5, तो वो पहले नंबर को कौन सा साइन लगेगा, माइनस साइन, ये देखो माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 3, हम लिखेंगे इधर माइनस 3। अभी हम डिटरमिनेंट लिखेंगे, अब ये सेकंड रो देखो, पहले तो साइन कन्वेंशन से जाएंगे, फिर दूसरा नंबर कौन सा है, 2, उसका साइन कौन सा है, प्लस, मतलब नो चेंज, प्लस का मतलब साइन चेंज नहीं हुआ, 2 इनटू डिटरमिनेंट, ओके, साइन कन्वेंशन आपको पता चला है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, हाँ। अभी सेकंड रो में प्लस 2, अभी लास्ट नंबर कौन सा है, 5, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 5, और ये डिटरमिनेंट, अभी हम डिटरमिनेंट में जाएंगे, है ना, डिटरमिनेंट कौन से, जो हमारा नंबर था माइनस 3, पहला नंबर माइनस 3 कैसे आया, पहले नंबर को माइनस साइन लगाते, दूसरा प्लस और तीसरा माइनस, तो माइनस 3 इंटू, अभी ये नंबर छोड़ दो, इसकी रो छोड़ दो और इसका कॉलम छोड़ दो, तो कौन से नंबर आए, विच नंबर वी विल गॉट, वी हाउ टू We will get which number, and कौन से नंबर हमें मिलेंगे, which numbers we got here, 2, 3, 3, 7, हम इधर लिखेंगे 2, 3, 3, 7, अब ये नंबर हुआ था पहला, अभी दूसरा नंबर जाएगा, दूसरा नंबर कौन सा है, 2, तो उसका कॉलम और उसकी रो हटा दो, देखो ये ऐसा हटा दो और ये ऐसा हटा दो, तो कौन से नंबर रहे थे, What are the numbers? 1, 3, 4, 7. अब रह जाएगा लास्ट नंबर, कौन सा नंबर, लास्ट नंबर ऑफ दिस कॉलम, वो नंबर है 5. इसका रो हटा दो और इसका कॉलम हटा दो, इसका रो हटा दिया और इसका कॉलम हटा दिया, इसको देखना नहीं है, रो को देखना नहीं है, तो कौन से नंबर है, 1, 2, 4, 3. ये हर बारे में करना, पहले क्या करना है, पहले साइन डिसाइड करना है, पहले रो डिसाइड करनी, कौन से रो से आप एक्सपेंशन ले रहे हो, 1, 2, 4, 7, नहीं नहीं 1, 2, 4, 3 ना, देखो ये नंबर, इसका कॉलम जाएगा तो 7 नहीं आएगा उसमें, ये जाएगा ना कॉलम, और ये रो जाएगा, ये ऐसा टी, तो बचेगा क्या, 1, 2, 4, 3, ओके, चलो चलो चलो, अभी हमें एक्सपेंशन, ये कैलकुलेशन करना है, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन इज देयर, वी आर सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ओके, माइनस 3 इंटू 7, 2 जार कितना हुआ, 14, 3, 3 जार कितना हुआ, 9, अगर आप ये डायरेक्टली बताते तो बहुत अच्छी बात है, बताइए कितना है कैलकुलेशन, 14 माइनस 9, वॉट इज दैट नंबर, 14 माइनस 9 विल बी वॉट, प्लस 2 इंटू 7 माइनस 12, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 7 माइनस 12, माइनस 5 इंटू 3 माइनस 8, फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट माइनस सेकंड क्रॉस प्रोडक्ट, 3 माइनस 8, माइनस 5, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और ऐड करेंगे, वैल्यू 0 आएगा, पक्का मालूम है, अभी ये काम तो आपका है, आप लोग नहीं करेंगे तो कौन, हम थोड़ी करेंगे, अभी -3, 5 जार -15, 2, 5 जार -10, -25, और ये +25 जीरो आया, यस नहीं, -25 +25, आंसर कैसे आया मालूम है, ये -15 है पहली वैल्यू, ये -10 है, ओके, और लास्ट वैल्यू जो है वो है +25, तो डायरेक्ट टोटल आंसर आया -25 +25 वैल्यू जो, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 2/2 डिटरमिनेंट, 0 आ गए, जरूरी नहीं हर बार 0, साइन ऑफ थर्ड रो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो,
है ना, पहले थर्ड रो के बारे में देखेंगे, थर्ड रो का कैलकुलेशन देखेंगे, मतलब the value of determinant doesn't change whatever may be the calculation on which row you are doing. You can calculate on any by using any one of the row. Determinant की value बदलती नहीं है, कुछ भी value हो वो जीरो ही रहेगी अभी, बाकी डिटरमिनेंट के लिए उसकी वैल्यू रहती है, हर एक डिटरमिनेंट की वैल्यू अलग होती, यूनिक वैल्यू होती है, वो दूसरे डिटरमिनेंट की होगी मालूम नहीं बट उसकी वैल्यू वही रहती है. अब हम जाएंगे थर्ड रो से, बोलो सर मेरा एक डाउट है. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में जो थ्री है ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में थ्री है, हाँ. तो सर वो अभी पॉजिटिव है, लेकिन साइन कन्वेंशन के टाइम पे उसके ऊपर माइनस साइन आ रही है. माइनस साइन आ रहा मतलब साइन बदल रहा, हाँ यस साइन बदल गया. लेकिन सर अगर वो का मतलब माइनस है तो प्लस होगा. तो सर अगर वहां पे पहले से अगर माइनस थ्री होता और साइन कन्वेंशन का माइनस, तो क्या वो प्लस हो जाता? प्लस हो जाता, यस बराबर है, बहुत सही क्वेश्चन, गॉट इट, समझ में? यस सर. ओके ओके, हाँ. अभी हम आपको बता देते कि पहले से माइनस है और कन्वेंशन में माइनस आ रहा तो प्लस होगा. मैं इसलिए वो एक वर्ड यूज कर रहा हूँ कि साइन चेंज होता है, माइनस का मतलब साइन बदलना और प्लस का मतलब वही साइन रहना, ऐसा एक वर्ड मैं ऐड कर रहा हूँ इसलिए, इसलिए कर रहा हूँ. गुड, चलो नेक्स्ट. थर्ड रो का लेना है क्या? आप कर सकते हो थर्ड रो का एक्सपेंशन. हेलो, थर्ड रो का एक्सपेंशन कर सकते हैं. यस, थर्ड रो का एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. थर्ड रो का सिमिलर एज अ फर्स्ट रो, साइन कन्वेंशन वैल्यू फाइंड करते समय यूज करना है हमें. डिटरमिनेंट की वैल्यू जब हमें फाइंड करनी पड़ती है ना, तो एक आधा रो लेना पड़ता है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, उसका भी जीरो है, थर्ड रो का भी जीरो है. और हमारी जो पढ़ाई है 11th 12th, अरे कुछ नोटिस नहीं, हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, तो इस तरह से जाना पड़ता है. हाँ वो बात अलग है, वही ऐसा ही है, उसका भी ऐसा ही साइन कन्वेंशन, सिर्फ एक रो और एक कॉलम बढ़ेगी, चार रो और चार कॉलम. चलो दो सवाल आए, इम्पोर्टेंट सवाल है, बाकी के आंसर दिए है मैंने तो. ओके, सिंपल बात है, आप तीसरा रो और तीसरा कॉलम कर सकते हो. मैंने आपको साइन, हमने अभी साइन कन्वेंशन देखा. एक सवाल है कि अगर चार रो चार कॉलम हो गए तो कोई बात नहीं ना, चार रो हम अभी इधर बना देते हैं, चार रो हमने बना दिए, देखो फिर से हम चार रो और चार कॉलम बना देते हैं. लेट मी टेक फोर रोज एंड फोर कॉलम फॉर यूर सेटिस्फेक्शन. अगर हम फोर रो और फोर कॉलम लेते हैं तो देखिए, समझो मेरे पास और एक रो